देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती हो चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या परिणाम आया है और इससे क्या असर होगा। बिफोर वी कंटिन्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती लगातार चल रही थी, तभी बीजेपी ने त्रिपुरा के दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट एक बार फिर से बीजेपी की झोली में आ गई है। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने इस सीट को 2400 वोटों से जीत लिया है। वहीं केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से कब्जा जमा लिया है। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर जारी मतगणना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार बीजेपी के दारा सिंह चौहान से आगे है। वहीं पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर भी बीजेपी से तापसी रॉय आगे है। केरल में पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF के उम्मीदवार चांडी ओमन ने जीत हासिल कर ली है। चांडी ओमन कांग्रेस के दिवंगत नेता ओमन चांडी के बेटे हैं और शुरुआती रुझानों में ही वह अपने प्रतिद्वंदियों से काफ़ी आगे निकल गए थे। वह 37,719 वोटों से जीत गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी ने त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले की धनपुर और बक्सानगर विधानसभा सीटें जीत ली है। करीब 66% अल्पसंख्यक मतदाताओं वाली बक्सानगर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। धनपुर में बिंदु देवनाथ को जीत मिली है। वहीं बक्सानगर में बीजेपी के तफज्जल हुसैन ने 30,237 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं बात करें तो झारखंड के गिरिडीह जिले की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू की यशोदा देवी से 1,341 मतों से आगे है। उसके अलावा अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि मतगणना के 2 चरणों के बाद झामुमो उम्मीदवार को 7,314 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि आजसू की उम्मीदवार को 5,973 वोट मिले हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को विपक्षी गुट इंडिया के लिए बड़े टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि जिन 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बक्सानगर और धनपुर शामिल है, जहां पर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इन 7 सीटों की यदि बात करें तो 7 सीटों में से धनपुर, बागेश्वर और धूपगुड़ी पर पहले बीजेपी का कब्जा था। यूपी और झारखंड की सीटें समाजवादी पार्टी और झारखंड की मुक्ति मोर्चा के पास थी। त्रिपुरा की बक्सानगर सीट और केरल की पुथुपल्ली सीट CPM और कांग्रेस के पास थी। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट मौजूदा विधायक और OBC नेता दारा सिंह चौहान के सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इस सीट को अपने पाले में कर लेना चाहते थे। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर से घोसी पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। 7 विधानसभा सीटों पर हो रही वोटों की गिनती का कारण कुछ इस प्रकार है कि उत्तराखंड की बागेश्वर सीट 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के अप्रैल में निधन की वजह से खाली हुई थी। केरल की पुथुपल्ली सीट पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमन चांडी के निधन से खाली हुई थी, इसलिए दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इस प्रकार 7 विधानसभा में दोबारा चुनाव करवाए गए। अब इसका परिणाम तो आ चुका है, लेकिन देखते हैं आगे इससे क्या असर होगा और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में यह किस तरह से अपना काम करेगा, ये तो देखने वाली बात है। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए देखते रहे वाइब्स ऑफ इंडिया।